अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज फातिमा गुल की पोएम आपने सुनी। अगर आपको पोएम पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अभी फातिमा गुल की ट्यूशन टाइमिंग है, अब वो ट्यूशन जा रही हैं, फिर वो आ जाएगी तो फिर हम आज की अपनी रेसिपी बनाएंगे। मौसम आज का अच्छा हो रहा है, देखें फ्रेंड्स। अब फातिमा गुल का ट्यूशन आ गया है। फातिमा गुल दोस्तों, इनसे मिलेंगे हैं हमारी छोटी सी जन्नत। ये कल दादी के यहाँ थी इसलिए वीडियो में नहीं थी, ये आज दादी के यहाँ से आ गई हैं तो ये हमारे साथ आज वीडियो में शामिल हैं, क्योंकि फातिमा गुल अभी तक नहीं आई हैं, फातिमा गुल ट्यूशन में हैं। तो जन्नत के साथ आज की रेसिपी हम बनाएंगे, जन्नत के साथ ये हमें परेशान करेंगी और हम आज की रेसिपी बनाएंगे। दोस्तों, हम आपको लेकर आए हैं किचन में। अब हम किचन में आ चुके हैं, यहाँ पर हमारी रेसिपी बनाने के लिए तैयार है। आज हम बनाएंगे फातिमा गुल के लिए अंडा और पराठा। ये अंडे के लिए हमने एक प्याज और एक हरी मिर्च लिए और एक हम पराठा सादा बनाएंगे। बाकी हम जो हमने पिछली रेसिपी बनाई थी दाल की, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी रेसिपी इस दाल की। वो दाल अगर बच जाए तो आप उसके पराठे बना सकते हैं, जो मैं अभी आपको बनाना सिखाऊंगी। और ये दाल हमने मैश कर ली है, इसमें से हमने जो गरम मसाला, जो साबुत इसमें चीज़ें थी वो निकाल के इसको मैश कर लिया अच्छी तरह चम्मच से। और बाकी आटा गूंद के हमने ये पेड़े बना के रखे हैं, ये छोटे पेड़े हैं दाल के पराठों के लिए। ये हम सादा पराठा बना रहे हैं, इसमें हमने थोड़ा सा घी लिया है और इसको हम अपने हाथों से फैला देंगे। अब ये छुरी की मदद से इसमें कट लगाएंगे इस तरह से। नए डिज़ाइन में हम पराठा बना रहे हैं, सादा पराठा ही, अंदर घी लगा के। फातिमा गुल इसे अंडे के साथ खाना बहुत शौक से खाती है फातिमा गुल अंडा पराठा। ये हम आज आपको बनाना सिखा रहे हैं, बाद एक इस पे फोल्ड करते रहेंगे। ये हमारा तैयार हो गया है पराठा बनाने के लिए। पराठा बनाया फातिमा गुल के लिए, ये बन चुका है। अब हम इसको तवे डालेंगे, पलट देंगे। अब हम इस पे घी लगाएंगे और इसको अच्छी तरह सेकेंगे। ये अच्छी तरह सीकेगा, गलाना नहीं है, गोल्डन ब्राउन में इसको सेकेंगे ताकि ये अच्छा लगे, क्रिस्पी हो जाएगा ये देखें ये कितना प्यारा
बन रहा है पराठा। फातिमा गुल को बहुत पसंद आएगा ये। फातिमा गुल आ गई हैं ट्यूशन से, वो खेल रही हैं अब अपनी जन्नत के साथ। ये पराठा बन चुका है, अब हम दाल का पराठा बनाया है मैंने। इनकी छोटी छोटी सी चंगेरे बनाई हैं मैंने। अब हम इसमें अपनी दाल फिल करेंगे। ये छोटी छोटी सी चंगेरे बनाई थी ना मैंने, इसमें अब हम दाल अपनी दाल को रख इसमें ना फिल करेंगे। अब ये जो हमने दाल बीच में रखी है, अब इसके बाद इसके ऊपर हम एक ये दूसरी वाली रख कर इसको साइडों से इस तरह से प्रेस करेंगे। ये देखें, इस पर हमने खुश्की लगा दी है ये आटा सूखा हुआ। अब हम इसको बेलेंगे, इसको आराम आराम से बेलेंगे ताकि दाल बाहर ना आए। ये देखें, ये बेल चुका है पराठा दाल का। अब जिस तरह से हमने पहले वाला पराठा सेका था, इस तरह से इसको भी हम सेक लेंगे। ये देखें, ये हमारा पराठा सिक गया है। ये इतना गोल्डन ब्राउन है, ये जला नहीं है, ये बिल्कुल सही सिखा है। ये हमारा पराठा बन चुका है। अब हम दूसरा पराठा बनाएंगे। ये हमारे पराठे तैयार हो गए हैं पक्के। अब हम बनाएंगे अपना अंडा। हमारे पराठे बनके तैयार हो गए हैं। यहाँ हमने थोड़ा सा घी तवे पे लिया है, वो गर्म हो रहा है। तो हम ये फातिमा गुल का अंडा बनाएंगे। इसमें हमने नमक जितना आपको डालना हो थोड़ा अंडे में डाल के इसको फेंट लिया है। और ये प्याज एक ली थी हमने छोटी, और एक हरी मिर्च इसको बारीक चॉप कर लिया है हमने। अब हमें ये अंडे में शामिल कर लेंगे। ये अंडे में शामिल कर लिए हमने प्याज और हरी मिर्च, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये जन्नत हमारी रो रही है अंदर, अब वो थक गई है खेल खेल के। ये देखें, ये तवा गरम हो चुका है, इस पर घी हमने डाला हुआ है, वो दिख नहीं रहा है। ये हमने इससे अंडा डाल दिया। ये अंडा डाल दिया है, ये थोड़ा सा सिक जाएगा, इसके बाद हम इसे पलट देंगे। हमारा अंडा पलट दिया हमने, जितना थोड़ा सिका है ये। ये फातिमा गुल का अंडा भी तैयार है। ये देखें, ये हम फातिमा गुल का अंडा पराठा तैयार हो गया है। ये लच्छे वाला पराठा बनाया है हमने, कितना प्यारा लग रहा है ये देखने में। ये दाल के पराठे ये अचार के साथ अच्छे लगेंगे। ये हमने इस मिर्चों का अचार लिया है इसके साथ। अब ये फातिमा गुल अंदर सर्व कर रही हैं। ये फातिमा गुल अब टेस्ट करके बताएंगी कि कैसे बने हैं ये सब चीज़ें। ये फातिमा गुल ने सर्व कर लिया है, अब ये बहुत खुश हैं ये अंडा पराठा खाने के लिए। ये इनकी फेवरेट डिश है, अंडे से खाएं। अच्छा बनाया है। आपको कैसा लगा? गुड। अब आप क्या कहना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को? शेयर कर दें। और अच्छा ये पराठा। मेरी मम्मा के चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और ना मेरी वीडियो को लाइक करना, और मम्मा के तुम भी अच्छे हैं ना सब्सक्राइब कर दो। ये देखें, जन्नत गुल भी खा रही है पराठा। ये देखें, हमारी जन्नत को भी पसंद आ रहा है और मांग रही है अपनी आप ही से। फ्रेंड्स, जन्नत
जन्नत हाय करेगी अपने फ्रेंड्स को। जन्नत की मम्मा के चैनल को सब्सक्राइब करें। ये दोनों अब मिलके ये खाना खा रही हैं। आप लोग भी अपने घर में बनाइएगा ये एक नई डिश बन। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, ये रेसिपी बहुत जल्दी बन जाएगी, आपकी दाल वेस्ट नहीं होगी। अगर आपकी दाल आपकी बच गई है तो आप इस तरह से पराठे डाल के बना सकते हैं, वो बहुत मज़ेदार बनेंगे, क्रिस्पी बनेंगे। आप इस तरह से पराठे बनाइएगा और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमने ये वीडियो बहुत